यदि आप सुबह के नाश्ते में रोज एक जैसा ब्रेकफास्ट कर करके बोर हो गए हैं, कुछ नया खाना चाहते हैं जिसका टेस्ट भी अलग हो और जो बनाने में भी इजी हो, आपको मेहनत भी कम लगे और बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो, तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही बहुत ही बढ़िया से नाश्ते की रेसिपी लिए शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में और बनाने में भी बहुत ईजी है। और इस नाश्ते को बनाने के लिए तेल का यूज़ भी बहुत ही कम होता है। तो चलिए हम देरी ना करते हुए फटाफट से इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा चम्मच तेल यूज़ कर रही हूँ। तेल आप यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप अपने घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं। तेल को यहाँ पर हम अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। बड़े तरीके से यहाँ पर तेल गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे आधे चम्मच के करीबन जीरा। हल्का सा जीरे को तेल में हम फ्राई होने देंगे। जीरा यहाँ पर तेल में अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तीखापन आप इस रेसिपी में जितना रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मिर्ची ले सकते हैं। मिर्ची को भी हल्का सा हम चलाते हुए पका लेंगे ताकि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए। मिर्ची भी अच्छे से यहाँ पर पक चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे एक प्याज जिसे मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे हरे प्याज का ऊपर वाला हिस्सा। मैंने यहाँ पर हरा प्याज लिया था तो जो उसका सफ़ेद पार्ट था उसे भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इन दोनों को हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक चौथाई चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। एक चौथाई चम्मच डालेंगे नमक, नमक आप आपके स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अच्छे से सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और एक मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं उनके अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए। मसाले यदि कढ़ाई में चिपके तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब मसाले जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर हरा प्याज दिया है। यदि इसे कप से नापेंगे तो 2 कप मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा प्याज लिया है। इसे मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसे हम मसाले के साथ में डाल देंगे और अच्छे से पूरे मसाले के साथ में हम हरे प्याज को मिक्स कर देंगे। हरा प्याज जो है अभी आपको क्वांटिटी में ज़्यादा दिखेगा, जब ये पक जाएगा तो क्वांटिटी में थोड़ा सा कम हो जाता है। हरे प्याज को बनाते समय आपको पानी वगैरह डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हरा प्याज है वो खुद पानी छोड़ता है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो पानी रिलीज़ होने लगेगा, आप देख सकते हैं। और ये क्वांटिटी में कितना कम हो गया है, मैंने अच्छी तरह से इसे पका लिया है। जो हरा प्याज है बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब इस रेसिपी का और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। तो थोड़ा थोड़ा हम बेसन डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर आपको ढेर सारा बेसन बिल्कुल नहीं डालना है। यदि चम्मच से नापेंगे तो 2 से 3 चम्मच आपको यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करना है। यदि आप बेसन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको हरे प्याज के स्वाद कम आएगा, बेसन का स्वाद ज़्यादा आएगा। मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन लिया था, उसमें से मैंने आधा ही बेसन डाला है, बाकी का बेसन मैंने बचा लिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे हरे प्याज के साथ में हम बेसन को मिक्स करेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे ताकि बेसन के अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए। या आप चाहें तो यहाँ पर भुने हुए बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप भुने हुए बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लिया है। तो जो हमने बेसन डाला था वो भी बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मसाले को साइड में रख देंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब मैंने यहाँ पर ली है मेजरिंग कप से 1 कप सूजी, और मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है। आप यहाँ पर मोटी या बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पर आपको खास करके मेजरमेंट का ध्यान रखना है। अब सूजी को हम डाल देंगे मिक्सर जार के अंदर और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। तो मैंने यहाँ पर जिस कप से सूजी ली है उसी कप से मैंने यहाँ पर पानी लिया है। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है जिस कप से आप सूजी ले रहे हैं उसी कप से ही आप पानी लीजिएगा। यदि आप कटोरी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो कटोरी से ही पानी और सूजी लीजिएगा। अब इसे हम पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेस्ट आपको यहाँ पर रेडी करना है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब मैं जार में भी थोड़ा पानी डालकर इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि जो पेस्ट लगा है वो वेस्ट नहीं जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं इसके अंदर। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम आधी चम्मच के करीबन नमक। आप चाहें तो यहाँ पर हरे धनिया को भी बारीक बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी हरा धनिया अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। अब सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे बैटर के अंदर।
आप यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़े से पानी का इस्तेमाल करूंगी। अभी बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है, परफेक्ट है बैटर नाश्ता बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर एक डोसा तवा ले लिया है, इसमें हम लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल और तवे को हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। अब हमने जो बैटर बनाया है उस बैटर को हम इसके ऊपर डालेंगे और हल्के हाथों से इसे हम फैला देंगे। जैसा हम डोसा बनाते हैं सेम उसी तरह से हमें इसे बनाना है। इस नाश्ते को बनाते समय आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बैटर को तवे के ऊपर डालें तो गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। यदि आप गर्म तवे पर बैटर को डालेंगे तो डालते से ही बैटर पकना शुरू हो जाएगा और आप उसे अच्छी तरह से फैला नहीं पाएंगे। अब इसे हम पकने देते हैं। जैसे जैसे पकते जाएगा इसका जो कलर है वो चेंज होते जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर का कलर जो है वो चेंज हो गया है, मीन्स कि एक साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। इसे हम पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी इसे हम सेक लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी पतली शीट बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से हम सारी शीट बनाकर रेडी करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे शीट बनाकर रेडी कर लिए हैं। एक कप सूजी में यहाँ पर 7 से 8 शीट बनकर रेडी हुई है। डिपेंड करता है कि आपने शीट का साइज कैसा रखा है, बड़ा रखा है तो थोड़ा कम भी हो सकती है। और कितनी सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार हुई है ये देखिए। अब इस तरह से हम एक शीट ले लेंगे और हमने जो हरे प्याज की स्टफिंग बनाई है उसे हम इसके अंदर सेंटर में रखेंगे इस तरह से। तो स्टफिंग आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ज़्यादा या कम जितना आपको स्टफ करना हो। अब इस तरह से हम पॉकेट को फोल्ड कर देंगे, दोनों साइड से इस तरह से हम शीट को उठाएंगे और फोल्ड करेंगे और बढ़िया सा एक पॉकेट रेडी कर देंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसे हम पलटा कर रखेंगे जहाँ से जॉइंट है ताकि ये जो पॉकेट है ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसी तरह से हम सारे पॉकेट रेडी कर लेते हैं। लीजिए मैंने यहाँ पर सारे पॉकेट को रेडी कर लिया है। अब जिस तवे में हमने शीट बनाई थी उसी तवे में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल को हम इस तरह से पूरे तवे के अंदर स्प्रेड कर देंगे और हल्का सा तेल को हम गर्म कर लेंगे। अब जो हमने पॉकेट रेडी किया है उन पॉकेट को हम इस तरह से तवे के ऊपर रखेंगे और जिस साइड से हमने ज्वाइंट किया है उस साइड से हम उसे पहले रखेंगे तवे के ऊपर ताकि जो ज्वाइंट है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे से सेट हो जाए। ये पॉकेट एक साइड से अच्छे से सिक गए हैं तो इन्हें हम पलट देते हैं। अब दूसरी साइड से भी इसे हम हल्का सा सेक लेंगे और इसी तरह से इसे हम पलटते हुए तब तक सेकेंगे जब तक कि इसमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए। तो पॉकेट को मैंने यहाँ पर इस तरह से पलटते हुए सेक लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। तो इसे उठाकर हम प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा टेस्टी यम्मी मज़ेदार सा ये हरे प्याज का नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।